गाइस गुड मॉर्निंग। और अभी नहा के आ गई, इतना ज्यादा ठंडा है ना। और गाइस अभी मैं जल्दी जल्दी, अभी ना मेरा एक वाला टूट बहुत पेन भी हो रही है, और एक टूट निकाल दिया पेन, और पेन वाला जो टूट है अभी और एक निकलना पड़ेगा। और मैं जा रही हूँ अभी बुल बेंडिंग और एक गॉड का आई करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी टाइम के बाद मिलूंगी आप लोगों को। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चाय पानी पी लूँ, और अभी टाइम हो गई है 8:10 हो गई है। लेट्स गो। अभी मॉर्निंग का टाइम, अभी यहाँ पे बना रही हूँ सो दूध वाले चाय। यहाँ पे जो ब्रेड कमाऊँगी, ब्रेड यहाँ पे थोड़ा गर्म कर लूँगी। यहाँ पे दूध पका के रखा हूँ, और अभी ये खा कर जाना पड़ेगा फिल। आइज अभी मैं जाने के लिए तुट पड़ी मेरी फिल की तरफ, क्योंकि मुझे वहाँ पर दो गॉड था, ट्रीटमेंट भी करना था, काऊ का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी था, और बुल बेंडिंग भी था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो मॉर्निंग टाइम थोड़ा दूध का साय पी कर निकाल पड़ी, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बोला था एक ही बुल बेंडिंग था, लेकिन यहाँ पर जाते जाते तीन हो गई है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए आप लोग। और गाइस ये वाला जो गाय है, ये जो ओनर ने न्यू जो एक आप लोग मेरी वीडियो में देखती रहती है, ये आदमी ओनर सॉरी, क्योंकि जो इन्होंने एक जो गाय था मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम भी था, और थोड़ा प्लेसेंटा रिमूव किया 2-3 दिन से पहले उनका गाय, वो बेच कर ये गाय खरीद के लेकर आए। ये जो प्रेग्नेंट है, और यहाँ पे मैंने और एक जो काऊ का ट्रीटमेंट, गाय का ट्रीटमेंट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे डायरिया का प्रॉब्लम हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, इसलिए बुल बेंडिंग था काऊ काल्फ का। और इसलिए ना मैं जो हेलमेट खुलने के लिए भूल गई थी, जल्दी जल्दी आकर मेडिसिन लगा कर देखो कितना फनी हो रही है देखने के लिए। और मैंने जल्दी जल्दी आकर ये जो बच्चा है उसको भी जो किराए का ड्रॉप दे दिया मैंने खिलाने के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादा ड्रॉप उसको खिला रही थी, मैंने बोला थोड़ा कम कीजिए, पेलू का ड्रॉप बहुत ज़्यादा दिया था। और ये गाय बहुत ज़्यादा पतला पायखाना किया था, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे मैंने एंटीबायोटिक यूज़ किया, क्योंकि 3 दिन एंटीबायोटिक यूज़ करूँगी। ये बहुत ज़्यादा लेटिन किया है, मैं दिखाऊँगी आप लोगों को वीडियो में। मैं कैप्चर करके लेकर आया हूँ, ये देखो बहुत बहुत बड़ी थी, लेकिन अभी 3 दिन हो गए, 3 दिनों की बात है। अभी ये ट्रीटमेंट कर रही है ओनर ने, मुझे बता रही है 3 दिन हो गए जो टॉयलेट डायरिया का प्रॉब्लम 3 दिन हो गई है। और मैं उनको बोला 3 डेज ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, देखो ये कैसा जो पतला पायखाना कर रही है। ऑलमोस्ट काम डन हो गई है ट्रीटमेंट, और अभी हम लोग निकल पड़े दूसरे घर का, दूसरी गाँव का, दूसरी घर में जाने के लिए। और यहाँ पे जल्दी जल्दी निकल पड़ी, और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी बुल बेंडिंग करने के लिए। और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को वहाँ पर, क्योंकि ओनर ने मुझे 2 या 1 बोला था, लेकिन अभी वहाँ पर जाते जाते 3 हो गई है। और गाइस मैं आ रही हूँ अभी आहतगुड़ी, मरीगांव का जो आहतगुड़ी है वहाँ पर बहुत खूबसूरत है। देखो जो रास्ते के दोनों तरफ जो हम लोगों का सरसों का ऑयल है ना, ये जो येल्लो येल्लो दिख रही है, ये सरसों का ऑयल का फूल है। और अभी धान खेती भी अभी घर ले जा रही है बहुत सारे कृषक बंधु, और हम लोग थोड़ा टाइम ले लिया, क्योंकि यहाँ पे बात करते करते पापा बेटा और मैं आ रही हूँ। और यहाँ पे पूरा जंपिंग किया, क्योंकि यहाँ पे ना जो सीसी ब्लॉक नीचे में बहुत ज़रा अच्छे तरीके से नहीं पड़ा था और नहीं लगाया था, और मैंने दिखाऊँगी वहाँ पर जाकर। लेट्स गो, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए आप लोग। गाइस मैंने यहाँ पर 3 बुल एक साथ जो मैंने बुल बेंडिंग कर लिया। और यहाँ से हम लोग जा रही हूँ अभी नौगांव का महादेव खाल, क्योंकि यहाँ पर मेरे को यहाँ पे एक कृत्रिम गर्भाधान है गॉड का। और ये जो फार्म है ब्रॉयलर फार्म के साथ ही जो गॉड का फार्म भी है, यहाँ पे मैं आया हूँ कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए। ऑनर गई है गॉड को लाने के लिए, थोड़ा टाइम रुकने के लिए हम लोगों को दिया है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। और गाइस अभी ना हम लोग आ गए थे ये वाला ओनर के घर में, यहाँ पे फार्म वगैरह भी है। और अभी बहुत टाइम हो गई है, कुछ भी नहीं खा गया है, थोड़ा दूध चाय पी कर आए थी। और अभी यहाँ से हम लोगों को यहाँ पे एक कृत्रिम गर्भाधान है गॉड का फार्म में, ये कृत्रिम गर्भाधान करके मैं जाऊँगी मेरा रूम, और शायद रात का टाइम मेरा घर आना जरूरी होगा। मैं कुछ सामान भूल के आ गई थी घर में देना था वो सामान। और गाइस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पे बहुत सारा खेत, अभी यहाँ पे खेत अभी बांध रही है घर ले जाने के लिए धान को। लेट्स गो। आप लोग यहाँ पे गान साथ में हाथ में लेकर ही वीडियो बना रही है।
अरे गाइस, आप सभी को ना मैं आज बहुत मेरा एक 1997 में मेरा जो वहाँ पर उस टाइम में मेरा S7 मन का था, ये आप लोग देख रहे हैं मेरे घर के आसपास है एक ऑयल जो यहाँ पर बहुत बड़े ऑयल जैसी था, ऑयल ऑयल जो मैंने ऑयल जैसी होगा शायद, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आग लगी थी ऑयल में, जहाँ पर ऑयल रखती है ना स्टॉक गोडाउन में, वहाँ पर बहुत बड़ी आग लगी थी। आग लगने में ये वाला दिख रही है आप लोग, या भी ये बंद हो गई है जो 1997 में लगा था, जो माँ ने मेरे को साथ में लेकर, मैं 7 मंथ था, माँ ने साथ में लेकर आ गई थी आग देखने के लिए, इतना बड़ी आग था। और माँ ने उस टाइम में मेरे को ये वाला उसके आसपास, ये देखो ये आसपास जो गड्ढा था ना वहाँ पर मेरे को सर के गई थी, तब मेरा मामी और मेरे मामा आकर मेरे को उठाकर लेकर गई थी, मेरा मामा और जीजाजी भी आ गई थी मेरे को लेकर। और ये बात अभी भी तक मुझे बताती है जो तुमको सोरके में आ गई थी माँ ने। आज आज तो आप लोग मुझे तो पहचानती कौन की थी आप लोग मुझे, मेरे को तो पहचानती नहीं होगी, तब उस टाइम मेरे को मामा और मेरे मामी लेकर नहीं आया। तो गाइस अभी क्या हुआ है, अभी टाइम हो गई है 12 बज चुकी है, इतना ज़्यादा भूख लग रही है मेरे को, भूख से मेरा रहने नहीं पा रही हूँ, कुछ भी बासन बर्तन लटा ही हो रही है, बहुत गंदा मचा के रखा दिया, वो भी धोना पड़ेगा, भात भी बना रहा हूँ यहाँ पे, चावल बनाऊंगी अभी, खाने के लिए कुछ नहीं है। और गाइस क्या हुआ है ना, आज जो आते आते एक दुकान में हम लोग घुस गई थी, दुकान में गई थी एक दुकान में थोड़ा जो अंडे लेने के लिए, अंडे और थोड़ा घर का खाना था, खाना थोड़ा दाल चावल कुछ ऐसा लेने के लिए, दाल नहीं थोड़ा साबुन वगैरह सब वगैरह खरीदने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक उन्होंने मुझे और एक आदमी ने, महिला ने बोला कि आपका जो जो कपड़ा बहुत गुन रही है, ऐसा बोल रही थी। और मेरे पास तो गुरु डी मैं बना रही हूँ खाना, आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। गाइस अभी क्या हुआ है, जो मैंने एक दुकान में गई थी जो फिल्म में, जल्दी जल्दी आकर उस दुकान में हम लोग थोड़ा टाइम रुक कर थोड़ा शॉपिंग वगैरह करके लेकर आया, और उन्होंने मुझे बोला कि अभी गुन रही है वो, ऐसा गुन रही थी क्या क्या ना आपका जो कपड़ा से, वो आपको आपका पास जो ये स्माइल आ रही है ऐसा बोला था। जो बेलामाइल है जो हिमाक से होती है ना, बहुत ज़्यादा गुन सुगंध निकालती है ना, और इसके बाद पूरा कपड़ा जो कपड़ा हाथ में ऐसा सुगंध आ जाती है। मैंने बुल बेंडिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए गई थी, वहाँ पर तो मेरे को तो हिमाक्स बहुत ही जो बहुत ही इमरजेंसी होती है वहाँ पर हिमाक्स, और लगाया था हाथ में, सुगंध आई थी। और लास्ट को जो डेयरी फार्म का लोगों का यही हालत होती है, जो वेटरनरी का लोग होते हैं ना, यही हालत होती है, लड़की या लड़का ऐसा सुगंध आप लोगों को स्मेल मिलेगी ही मिलेगी। अभी हम लोग जो बाहर जाने के लिए, थोड़ा माँ आ रही है, माँ जो मेरा ससा है, ससा जी को लेकर गई थी वो हॉस्पिटल, उसका थोड़ा बीमार है वो, डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी जागीरेट, और अभी वहाँ से आ रही है, हम लोग मरीगांव वहाँ पर मिलूंगी, वहाँ पर थोड़ा हम लोग घर से चावल चावल लेकर आ गई थी माँ, और थोड़ा मेरा कुछ सामान, रसोई का सामान लेना है, अभी जाऊंगी शायद विशाल जाएंगे हम लोग, आप लोगों को दिखाऊंगी, जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूंगी, और वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, तब पता चल जाएगा आज का दिन मैंने फील के साथ रूम में मेरा डेली लाइफ में क्या क्या हुआ। गाइस अभी ना हम लोग आकर रुक गई हूँ, माँ आ रही है, हाँ जो इस तरफ माँ आ रही है, और अभी हम लोग यहाँ पे रुक रही हूँ क्योंकि उसका घर से चावल चावल लेकर आया है, वो लेकर रूम जाना पड़ेगा, अभी हम लोग गुस्सा मार्केट भी जा रही हूँ। और गाइस मेरा किचन का थोड़ा 2 या 3 सामान लेना था, वह यहाँ पर आ गई थी थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना जो बड़ी भाई आ रही गुवाहाटी से, उसका थोड़ा सामान घर में लेकर आया है, वो लेकर जाऊंगी, इसलिए थोड़ी रुक रही हूँ, वो आएगी थोड़ा टाइम के बाद, 8:30 बजे तक आ जाएगी। और यहाँ पे हम लोगों ने सब पल वगैरह कपड़ा वगैरह ऐसे ही दिख रही थी, थोड़ा कुछ भी सामान नहीं लिया हम लोगों ने, थोड़ा मैंने सोक ले लिया था और पहनने के लिए, और उसके साथ मैंने थोड़ा बासन बर्तन लिया 2, और आप लोगों को दिखाऊँगी, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए, तब पता चल जाएगा। और गाइस यहाँ पे मैंने ले लिया था अभी वहाँ पर सॉक वगैरह, ये तो वगैरह का सैंडल, या फिर मेरा सॉक ले लिया। अभी मैंने किया कपूर साफ किया, कपूर मैंने किया नहीं, मैंने सैंडल मोजा और कपड़ा की भी लुस। तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ है, पप्पू बेटा का जो भाभी भी हम लोगों को मिल गई थी, और उसका देखो कितना ज़रा सामान यहाँ पे, चॉकलेट वगैरह लेकर, उसका छोटा सा भांजी भी आया है 2,
दो भागी ने, ये देखो ये दो आ गई है, उसका सामान अभी ये ले रही है। और भाभी जी बहुत जुलुम में फंस गई थी बहुत सारा सामान लेकर। इस माँ ने ना ये पपीता के साथ यहाँ पे चावल वगैरह देकर बताया लेकर आया था। और अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या खरीदा, बाबू बेटा ने मेरे को ना मेरे लिए ये सॉक खरीदा क्योंकि बहुत सही है, क्योंकि बाहर जाती हूँ ना। ये हम लोग बैंगन जो भी है ये पूरने के लिए भट्टा बनाने के लिए लेकर आया हूँ। और ये लेकर आया हूँ बासन बर्तन जो पानी गर्म करने के लिए, दूध गर्म करने के लिए। और माय गॉड ये चप्पल भी लेकर आया है ये देखो। और मैंने गोपाल का यहाँ पर 2 buy 1 get 1 free मिला था, ये 75 rupees में ये मेरा लाभ हुआ है। ये दोनों खरीद कर 2 month 3 month जाएगा, ये 2 month जाएगा। और देखो ये लेकर आया हो, ये कितना रुपीस में मिला है हम लोगों को, 99 rupees में। और गाइस ये वाला वीडियो है ना, इसको यहीं पे एंड कर दूँ क्योंकि मेरा अभी काम है बहुत ज़्यादा, पढ़ाई भी करना है, गोपाल को भी भूख लगाना भी है बहुत सारा काम, और खाना भी बनाना है, पनीर लेकर आया हूँ। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स कल मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। गुड नाइट, लव यू ऑल।